श्री परशुराम महादेव राजस्थान के पाली जिले के गांव सादरी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि राजस्थान के केदारनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। मंदिर का आधा हिस्सा जिला राजसमंद में आता है और आधा हिस्सा पाली जिले में आता है। चलते हैं और उधर आपको उधर का नजारा दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान के गाँव गाणेराव से। तो चलते हैं और आगे का आपको पूरा व्यू दिखाएंगे और आगे का पूरा जो रास्ता रहेगा वो पूरा आपको दिखाएंगे। चलो फिर चलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गांव गाणेराव के अंदर। तो इधर से अपने को आगे से शनि महाराज का जो मेन गेट दिखा है, गेट से अपने को लेफ्ट लेना है और पकड़ना सीधा सादरी वाला रोड। तो चलते हैं, आ चुका अपना सादरी वाला रोड। तो इधर से निकलते हैं सीधा सादरी के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, देखो सामने दिख रहा कीर्ति स्तंभ जो कि गाणेराव और सादरी के बीच में आया हुआ है। तो अभी इधर से हम लोग निकलते आगे और दिखाते आपको आगे का। ये देखो सामने हॉस्पिटल दिख रहा है, जो गाय का हॉस्पिटल है। तो अभी हम लोग निकलते हैं सीधा आगे। और अभी तो सामने आपको दिख रहा, देखो श्री चामुंडा माता का मंदिर है, जो कि सादरी और गाणेराव के बीच में आया हुआ है। श्री चामुंडा माता, ये देख सकते हो आप इधर श्री चामुंडा माता। चलो फिर चलते आगे। आगे का रोड का नज़ारा भी बहुत खतरनाक है इधर का। तुम लोग पहुंच चुके देखो चादरी के अंदर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री परशुराम महादेव के रोड पे, जो कि सादड़ी से हम लोग रोड मिल गए हमको। और हम लोग निकल चुके जंगल में होके। देखो बहुत ही खतरनाक जंगल है, देखो जंगल के अंदर से हम लोग जा रहे हैं। एकदम सिंगल रोड है, कोई मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत कम गाड़ी। अभी धूप बहुत खतरनाक पड़ रहा है इधर और बहुत ही गर्मी है, इसकी वजह से लोग इतने नहीं इधर। ये देखो आगे अपने आगे गाड़ी चल रहा है। तो चलते आगे और आगे का आपको जो नज़ारा रहेगा वो आपको दिखाएंगे। चलो फिर निकलते हैं अभी इधर से आगे। तो चलते हैं आगे। देखो इधर बंदर, बहुत सारे बंदर है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो सब बंदर ही बंदर है। बहुत ही सावधानी से जाना इधर से। अगर पैदल अगर जा रहे हो तो आपने अगर थैली वैली अगर रहेगा तो आपने लकड़ी रखने का, नहीं तो खींच के ले लेंगे बंदर, बहुत खतरनाक है इधर के। तो चलो चलते हैं आगे। आगे से गाड़ी भी आ रहा है, अभी इसको साइड दिया और हम लोग निकल चुके हैं सीधा आगे। आगे ढलान भी बहुत ही खतरनाक ढलान है, देखो इधर आप देख सकते हैं। इधर बहुत ही व्यवस्थित जाना आप लोग, कभी भी अगर जाओ उधर तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जाना, कि बहुत ही चढ़ान वगैरह बहुत है उधर, तो अच्छे से जाना है आपको उधर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री परशुराम महादेव। ये देखो सामने आपको दिख रहा है, देखो ये आगे जो गेट दिख रहा है, श्री परशुराम महादेव का सामने वाला गेट है। और आगे जो दिख रहा है ग्राउंड, इधर जिधर अपने को गाड़ी पार्किंग वगैरह करना रहता है। तो अभी चलते हैं पार्किंग में, गाड़ी पार्किंग करते हैं फिर चलते हैं आगे, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलो अभी गाड़ी पार्किंग भी अपना हो चुका है, तो निकलते हैं आगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो सामने आपको दिख रहा है, देखो जो गेट है, गेट के ऊपर सब बंदर लोग बैठे हैं। देखो बहुत सारे बंदर है, देखो इसके अंदर बैठे ऊपर। तो चलते हैं इधर से आगे और आपको आगे का जो कुंड का वगैरह जो नज़ारा रहेगा वो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं कुंड के ऊपर, ये देख सकते हैं आप लोग। देखो कुंड है, सब लोग इधर नहा रहे हैं। देखो पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन पानी दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत दिन बहुत टाइम हो गया, मतलब बारिश हुआ नहीं, बारिश होने वाला अभी, तो ये सब सही हो जाएगा इधर। तब तक देखो पूरा ग्रीन पानी हो चुका अभी इधर। ये देखो सामने इधर से पानी वगैरह आता है। और तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये देखो सामने आपको जो मंदिर दिखता है वो श्री अमरनाथ महादेव मंदिर है। तो चलते हैं अभी चढ़ान शुरू करते हैं। जो लोग अगर ऊपर नहीं पहुंच पाते तो वो लोग इधर भी दर्शन करते हैं, तो आते समय इधर अपन भी दर्शन करेंगे। तो चलते पहले ऊपर दर्शन करके आएंगे फिर आते हैं। तो अपना चढ़ान शुरू कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, देखो कितने सारे लोग ऊपर से सब दर्शन करके आ रहे हैं। देखो सब लोग ऊपर से आ रहे हैं। तो चलते हैं फाइनल, अपन लोग भी जल्दी से दर्शन करके आएंगे। इधर से किलोमीटर 1.5 किलोमीटर समथिंग दूर है, और कोई नहीं अपन चले गए और उधर दर्शन करके मस्त अच्छे से दर्शन करके आते हैं। तो चलते हैं और आपको भी उधर का दर्शन करवाते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। नीचे का जो नज़ारा है आप लोग देख सकते हो, कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। देखो ये सब नीचे का नज़ारा, हम लोग थोड़ा ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने बाकी है अभी तक, मतलब सीढ़ी देते थोड़ा ही है, पर आगे जो रोड है वो रोड रोड चलेंगे। तो चलते हैं और आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो
चलो फिर। तो फाइनली हम लोगों ने आधा रास्ता पहुंच चुके, आधा समथिंग पहुंच चुके। तो ये देखो आप लोग देख सकते हैं पीछे के साइड से जंगल वगैरह, देखो बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ, सब सूखा सूखा पड़ा है। तो चलते हैं अभी आगे आगे, देखो बंदर भी बहुत सारे बैठे, बहुत ही खतरनाक बंदर है, इधर बच के निकलना। ये देखो ये बंदर कैसे आ रहा, देखो बच्चा आ रहा, देखो एकदम पकड़ रहा, देखो पैर में आके। तो चलो फिर निकलते आगे आगे, अमर गंगा पियो भी है उधर, पानी वानी पियेंगे फिर आगे, फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। चलो फिर। तो फाइनली देखो हमको मंदिर दिख गया है, देखो इधर से सामने से दिख रहा है श्री परशुराम महादेव की गुफा जो है, देखो सामने एकदम तुमको दिख रहा है सामने से। तो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, अभी तो पहुँच चुके लगभग, देखो एकदम नीचे आ गए हम लोग। तो चले गए अभी आगे उधर और देखते क्या होता है आगे, चलते फिर आगे। देखो और भाई लोग भी और मिल चुके हम लोग को इधर, ये देखो इधर का जो नीचे का नज़ारा है, देखो ये टाइप का नज़ारा है, बहुत ही मस्त शानदार नज़ारा एकदम। देखो इधर का सब लोग देखो अपना वीडियो बना रहे अपना अपना। तो निकलते हैं फाइनली अभी आगे। तो फाइनली हमारा 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था वो क्लियर हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके एकदम मंदिर के जस्ट नीचे। तो अभी इधर से प्रसाद वगैरह हम लोग ले गए और फिर चलते हैं ऊपर। ये देखो सामने गेट है, देखो ऊपर एंट्री गेट। तो चलते हैं ऊपर चढ़ते अभी और दिखाते हैं आपको आगे का क्या नज़ारा है, कैसा नज़ारा है जो आपको रहेगा दिखाते हैं। चलो फिर चलते अभी ऊपर। देखो मैं सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया अभी, हम लोग पहुँचने वाले मतलब जस्ट थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो चलते हैं, गर्मी का बहुत, गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ रही, गर्मी का टाइम है, सब धूप वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये देखो सब बंदर लोग आ रहे हैं, देखो बहुत ही बच के निकलना है इधर से। तो चलते हैं और मिलते हैं आगे जाके। ये देखो आप लोग इधर का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। कुंड वगैरह भी है, पत्थर वाले देखो, पत्थर का पहाड़ वगैरह बहुत मस्त दिख रहा है इधर से। तो चलते हैं, अभी तक तो मंदिर आया नहीं है, थोड़ा और ऊपर है। तो चलते हैं ऊपर और आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखो आप लोग देख सकते हैं इधर से, ऊपर का जो नज़ारा दिख रहा है जो पहाड़ वगैरह, देखो नीचे साइड से ऊपर से हम लोग दिखा रहे हैं आपको। ये देखो ऊपर देखो मंदिर के उधर का नज़ारा है, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है इधर से, बहुत मस्त अच्छा लग रहा है इधर से। तो चढ़ते अभी थोड़ा और, अभी तक पसीना आना शुरू हो चुका है अभी क्योंकि बहुत ही चढ़ान कर लिया है। तो चलते अभी थोड़ा बचा, ज़्यादा और नहीं अभी। फाइनली पहुंच चुके हैं, देखो इधर बालाजी महाराज का भी दर्शन कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। देखो पसीना शुरू हो चुका है, सामने जस्ट मंदिर है। तो चलते उधर और कैसा रहेगा, देखो उधर शायद कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी देखो कुछ करते हैं कुछ जुगाड़ और चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाएंगे। देखो सब लोग खड़े, बोले परशुराम महादेव। Yeah,
तो फाइनली हमारा दर्शन हो चुके, तो हम लोग निकल चुके। देखो आपको अभी आगे का नज़ारा दिख रहा है, एकदम हम लोग ऊपर खड़े हैं और आगे से आपको दिख रहा है। देखो ऊपर से क्या शानदार नज़ारा दिख रहा है, देखो पहाड़ दिख रहे हैं नीचे सब। ये देखो सब मस्त नज़ारा, ये देखो सामने अपना जो क्या हुआ था जो रास्ता। ये देखो कुंड का नज़ारा जो दिख रहा है सामने, ये ऊपर ही जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट नीचे की साइड में कुंड है। चलते हैं अभी कुंड का अराउंड मार लेते हैं इधर एक, उसके बाद चलते हैं नीचे। ये देखो सब कुंड है, ये देखो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं रिटर्न में। ये देखो मंदिर का ऐसा नज़ारा, देखो साइड से ऐसा दिखता है, देखो नीचे आते समय हम लोगों ने ये वीडियो बनाया उधर का। ये देखो इस साइड इस टाइप का नज़ारा उधर का, बहुत शानदार नज़ारा दिखा रहे। ये आप लोग देख सकते, देखो एकदम नीचे का नज़ारा, जिधर हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग किया था वहां का नज़ारा। देखो ये अमरनाथ महादेव का मंदिर है, बग का जो नीचे का जो ग्राउंड है वहाँ का नज़ारा है। तो इधर आप लोग देख सकते हो सामने नील गाय खड़ी है, जिसको हमारे राजस्थान की भाषा में इसको रोजड़ा भी बोला जाता है। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं देखो आगे थोड़ा इनके बाजू में चलते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। ये देखो कितने सारे, बहुत सारे बाप रे बंदर वगैरह बहुत है इधर, नील गाय भी।